रातों रात पलट गई बिहारी बाबू की किस्मत। मिल गया टीम में खेलने का सबसे बड़ा मौका, देखकर परेशान हो गए गंभीर। जयशाह ने मान ली हार्दिक पांड्या की बात, अब दिखाएगा बिहार का लाल कमाल। जो कहा उसे पांड्या ने कर दिखाया, अपनी दोस्ती का ईशान किशन के लिए फर्ज निभाया। रोहित कोहली भी देखकर हो गए हैरान, फैंस ने काट दिया गंभीर को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल। बिहार के मैदान पर चलेगा ईशान किशन का सिक्का, लगाएंगे गेंदबाजों को चौका छक्का। सेलेक्टर्स ने दी बिहार के लाल को बड़ी जिम्मेदारी, उतार रख दी गंभीर के घमंड की खुमारे। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत के पन्ने पलटते हैं तो अच्छे अच्छों की बादशाहत मिट्टी में मिल जाती है, कुछ ऐसा ही फिर से देखने को मिला। उधर श्रीलंका में गंभीर के एक्सपेरिमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे कि इसी बीच जयशाह ने बिहार के लाल को लेकर ऐसा फैसला लिया जिसने गंभीर की रातों की नींद उड़ा दी। जिस खिलाड़ी को गंभीर ने दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंका, उसी खिलाड़ी को अब सेलेक्टर्स ने ऐसी जिम्मेदारी दी जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए है। खबरों की माने तो ईशान किशन को मौका दिलाने में सबसे बड़ा हाथ उनके जिगरी दोस्त हार्दिक पांड्या का बताया जा रहा है, जिन्होंने ईशान किशन के लिए जयशाह से बात कर बड़ा मौका दिलाया, जिसके बाद ईशान के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जबकि गंभीर की टेंशन बढ़ गई है। कैसे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ईशान किशन अब फिर से मैदान में चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल ईशान अगले महीने से शुरू हो रहे डोमेस्टिक सीजन में झारखंड की टीम के लिए खेलने उतरेंगे। सिर्फ खेलेंगे ही नहीं बल्कि कि वो टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है, जबकि ईशान किशन के फैंस गदगद हो उठे। रिपोर्ट्स की माने तो 26 साल के क्रिकेटर ईशान किशन ने हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क किया था और आने वाले डोमेस्टिक सीजन के लिए खुद को सिलेक्शन के लिए उपलब्ध बताया था। अब इस मामले में प्रगति हुई है और झारखंड एसोसिएशन ने भी ईशान को प्री सीजन कैंप में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीजन की तैयारी के लिए लगने वाले कैंप के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है और ईशान भी इसमें शामिल है। खास बात यह है कि ईशान किशन न सिर्फ झारखंड की टीम के लिए खेलते दिखेंगे बल्कि एसोसिएशन के सेलेक्टर उन्हें कप्तान बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। ईशान किशन अंडर 19 क्रिकेट में टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं। जब ईशान ने टीम इंडिया से ब्रेक मांगा था तो उस वक्त कोच रहे राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वापसी के लिए ईशान किशन को किसी तरह का क्रिकेट खेलना होगा। जनवरी महीने में तब रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा था। ईशान किशन हालांकि तब खेलने के लिए तैयार नहीं हुए थे, जिसके पीछे उन्होंने पर्सनल रीजन बताया था, लेकिन अब वो फिर से विस्फोटक पारी खेलने के लिए तैयार है। ईशान ने पिछले साल दिसंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद से ही वो टीम से बाहर, लेकिन अब वो मैदान में चौके छक्कों की बारिश करते हुए दिखाई देंगे, जो गंभीर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि गंभीर सिर्फ अपने चहेतों पर मेहरबानियां करने में लगे हुए और युवा खिलाड़ियों के भविष्य संग खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अब जयशाह ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि गंभीर अब कोच के पद से जल्दी हट जाएंगे। दरअसल इंडिया की वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे एक खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान वायरल हो रहा है। उनके मुताबिक गौतम गंभीर टीम इंडिया को संभाल तो सकते हैं पर यहाँ ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ये बयान देने वाला कोई और नहीं बल्कि जोगिंदर शर्मा है, जो कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के हीरो रहे थे। गौतम गंभीर भी उस ICC टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। जोगिंदर शर्मा का कहना है कि जितना वो गंभीर को जानते हैं उसके मुताबिक वो ज्यादा दिन टीम इंडिया में नहीं टिकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।